क्राइम रिपोर्टर्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं निशा सरोज, आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। बीएड प्रशिक्षुओं का शिक्षा अभ्यास सकुशल संपन्न। चुनाव क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर में स्थित माधव विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में राम ललित सिंह महाविद्यालय के बीएड प्रशिक्षुओं का शिक्षण अभ्यास शनिवार को सकुशल संपन्न हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि माधव विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रेम शंकर सिंह रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बीएड प्रशिक्षुओं के लिए शिक्षण अभ्यास अत्यंत आवश्यक है, यह उनके आत्मविश्वास को बढ़ाकर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करता है। इस अवसर पर बीएड विभाग के प्रशिक्षक डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, डॉक्टर पवन कुमार सिंह, डॉक्टर अमित, डॉक्टर रमेश यादव उपस्थित रहे। सरस्वती वंदना पूनम, शिखा, ईशा, पूजा तथा संचालन नितेश व सुमन ने किया। सर आपका सुनना। मेरा नाम अनिल कुमार सिंह। आपकी इस संस्था का क्या नाम है जहाँ पे आप इंटर कॉलेज पुरुषोत्तमपुर में असिस्टेंट अध्यापक विज्ञान के रूप में कार्यरत हूँ। आज छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिकाओं को क्या उनके उज्जवल भविष्य के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज ये शिक्षण सिस्टम में इस समय अगर वो जिस मन से जिस शिक्षण कला से अध्यापन कार्य किए हैं भविष्य में भी जब वो परमानेंट टीचर के रूप में आए तो अनुशासन को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्यों का शिक्षण विधियों का उपयोग करते हुए शिक्षण कार्य करें, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जैसे इस समय शिक्षा का शोषण किया जा रहा है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? शिक्षण का शोषण सरकार की तरफ से हो रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो भी वैकेंसियाँ आ रही हैं वो एक वैकेंसी को पूरा होने में कितनी कानूनी बाधाएं आ रही हैं और एक वैकेंसी पूरा होने में पाँच से लेकर सात साल, आठ साल, दस साल समय लग रहा है। तो सरकार की तरफ से ढेर सारे दिक्कतें पैदा की जा रही हैं और इसको ध्यान में रखते हुए हम तैयारी में अधिक से अधिक अपना समय देंगे कि दूसरे प्रदेशों में दूसरे क्षेत्रों में भी हम आजमाएंगे अपने को। सर आपका शुभ नाम। मैं पवन कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा संकाय रामलली सिंह पीजी कॉलेज कैलाहट। आप लोगों ने जो हमारे ट्रेनर प्रशिक्षु शिक्षक जितने भी स्किल्स को फॉलो करते हुए ट्रेनिंग लिए हैं, मैं भविष्य में आशा करता हूं कि जब वो वास्तविक शिक्षण कार्य करेंगे एक अध्यापक के रूप में प्रतिष्ठित होकर तो सभी स्किल्स को फॉलो करेंगे। और अगर उनकी कहीं नियुक्ति जंगल में होती है, पहाड़ों में होती है, तो उसको एक अचीवमेंट के रूप में लेंगे, उपलब्धि के रूप में, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी ऐसे दिखाया गया है, सीखते हैं अपने संस्कृति से कि भगवान राम जब तक अयोध्या में थे, जब तक राजकुमार राम कहलाए, जब जंगल मतलब वन में गए, वहाँ से वापस आए तो पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाए। तो आप एक गुरु जो होता है भगवान होता है और भगवान में जो सारे गुण होते हैं वो आपके समस्याओं किस प्रकार से हम समाधान करेंगे, बच्चों की संवेदनाओं को समझते हुए भविष्य में शिक्षण कार्य को करने का प्रयास करेंगे। सुना डॉक्टर प्रेम शंकर सिंह, प्रधानाचार्य माधव विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पुरुषोत्तमपुर। आज जो इस छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका द्वारा बृहद शिक्षण का समापन समारोह किया गया, इसके उपलक्ष्य में छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिकाओं को क्या उद्देश्य देना चाहते हैं शिक्षण कार्य के प्रति? इनसे अपेक्षा की जाती है कि जिस लगन से इन्होंने विद्यालय में आकर के अनुशासित रह करके अध्यापन कार्य किया है और उसी लगन को आप बरकरार रखे रहेंगे और समाज इनसे ज़्यादा अपेक्षा करता है क्योंकि ये भविष्य के कर्णधार हैं। इन अनुशासित रह करके इन्होंने शिक्षण कार्य किया है और विद्यालय के भी गरिमा को बढ़ाया है। इस समापन समारोह में हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि समाज को और भारत को एक नया रास्ता दिखाने का काम करेंगे। आप किस विद्यालय में कार्यरत हैं? माधव विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पुरुषोत्तमपुर। आप इन छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापकों को क्या भविष्य में उनके उज्जवल भविष्य की के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है कि जिस निष्ठा लगन के साथ यह टीचिंग का कार्य किए हैं और उसी जोश और उत्साह से भविष्य में भी कार्य करते रहे, बच्चों में भी जोश देते रहे और यही हमारी शुभकामनाएं हैं। शिक्षण कार्य से संबंधित कुछ इनको संदेश देना चाहते हैं, पॉइंट देना चाहते हैं कि भविष्य में कैसे पढ़ाया जाए कि ये बच्चों के मार्गदर्शन कर सकें, इसके संबंध में कुछ आप? देखिए, शिक्षण का कार्य करने के लिए सबसे प्रथम दृष्टया अनुशासन का होना है
क्लास अनुशासित है और सब्जेक्ट जो वो सरल और रुचिकर हो ताकि बच्चे उसको आसानी समझ सके, यही इसी माध्यम से अगर वो पढ़ाए तो बेहतर हो। मिर्जापुर से अनिश कुमार की एक रिपोर्ट।